दिन भर का जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हाथ में भी लाइन काटी गई है। ऐसे ही व्यवस्था रहती है, सरकार दावा करती है की 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। क्या जी, करीब एक घंटे पहले मुझे उन्होंने एक कागज दिखाया, सुबह से कह रही थी कि मुझे दिखाइए कि किस आधार पर मुझे यहाँ दिखाई। करीब एक घंटे पहले मेरे पास आए, मैंने कागज दिखाया, उस पर जो था 107 सर, वो लिखा था कि 50,000 की जमानत आप देंगे। उनसे कहा देखिए, यहाँ पे एक जो आदिवासी होता है उसकी जमीन, उसका जीवन न सिर्फ इधर है ना, जमीन छीनी गई लेकिन 10 लोगों का कत्ल भी हुआ, उसके साथ साथ 6 लोग अस्पताल में। मैंने पहले भी कहा, एक 17 साल का बच्चा अस्पताल में है, उसे गोली लगी, बरसन घर हुआ, ये स्पष्ट। अब मैं उन परिवारों से मिलने आई हूँ, ये कोई अपराध तो नहीं, जो पीड़ित हैं उनसे मिलना एक नेता का धर्म होता है, अपराध नहीं। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं जमानत बिल्कुल नहीं भरूंगी, मैं एक पैसा नहीं भरूंगी, ये स्पष्ट है। मैंने कहा सुबह आई, मैं पीड़ितों से मिलने के लिए आई, मैंने सुबह भी कहा कि अगर सोनभद्र में 144 धारा है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगी, मैं आपके साथ चली जाऊंगी, 2 जने आएंगे, मुझे ले जाइए उनके पास, किसी भी तरह से मुझे मिलवा लीजिए। फिर भी उन्होंने ये सब कार्रवाई की, मुझे यहाँ लाए, यहाँ पे मुझे रखा हुआ है पिछले 7 घंटों से। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं बताया कि इसलिए था, अब बता दिया, तो मैं स्पष्ट हूँ, उन परिवारों के सदस्यों से मिलने के बिना मैं यहाँ से नहीं। आधे घंटे पहले मिर्ज़ापुर के DM साहब और SP साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा बनारस चल जाइए, यहाँ AC नहीं। मैंने उनसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे कोई AC की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं, मैं उन परिवारों से मिलने के बिना यहाँ से निकलूँगी। बाकी आपको जेल में डालना है, जेल में डालिए, मैं तैयार हूँ, कुछ भी करना है मैं डूंगी, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं। ये पेशेंस कब तक रहेगा? मेरा पेशेंस, मैं बहुत पेशेंस। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी ये आरोप लगा रहे हैं कि सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। अच्छा, सरकार किसकी है बताइए, सरकार किसकी है, सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार है? जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है, जनता की सुरक्षा, जो अराजकता फैली है इस प्रदेश में, जो आप रोज रोज देख रहे हैं, आप रोज रोज मीडिया वाले हैं, आप रोज रोज लिख रहे हैं, कहीं महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं दलितों को मारा जा रहा है, कहीं जैसा ये हादसा हुआ है वैसा हो रहा है, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है, चाहे वो किसी और को जिम्मेदारी देना चाहे। जब तक उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, तब तक बदलाव नहीं आ सकता, और जब तक बदलाव नहीं आएगा हम संघर्ष करेंगे। ये है कि आज जो है जो एक किसी को भी रखा जाता है, प्रशासन आपके हाथ में कह रहा है रखा है, लाइट नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि एक उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो इंतजाम करे, आपके रहने का इंतजाम करे, तो किस तरीके का इंतजाम किया है यहाँ? देखिए, मेरे रहने के इंतजाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाहे लाइट है नहीं है, AC है नहीं है, सब बकवास है, मेरा इंतजाम नहीं करना है। बल्कि मैंने सुबह भी कहा, अगर इतना इंतजाम उस गाँव में कर लेते, जब गांव वाले आपको 3 दिन से फोन कर रहे थे, जब पुलिस को बुला रहे थे, जब हादसा हो रहा था, हादसे के एक दिन पहले जब उन्होंने कंप्लेंट लगाई, जब हादसे के एक दिन पहले उन्होंने बुलाने की कोशिश की पुलिस को, प्रशासन को, जब हादसा हो रहा था उस समय, तब आप आए नहीं, तब आपने कोई इंतजाम नहीं किया, अब सारा ये सब इंतजाम करने का क्या फायदा है? और उसके ऊपर मतलब मुझे इंतजाम की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रदेश सरकार तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर देश प्रदेश में तो सही है, ठीक है, शायद उनको बाहर आना चाहिए अपने घर से, शायद देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, या न्यूज तो पढ़ ली थे, किस गुदगुदे में जी रहे हैं, आप सबको मालूम है कि क्या स्थिति है प्रदेश की। प्रियंका जी, अभी एक दिन पहले आपने कहा था कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया है जी, अभी एक दिन पहले आपने बयान दिया जी, क्योंकि पिछली बार मैं यहाँ आई 22 गाड़ियाँ थी मेरे साथ, इसका क्या मतलब है, किसको ज़रूरत है इन 22 गाड़ियों की? बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत है,
और ये वैसे छोटा सा मुद्दा है, फिजूल का मुद्दा है, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उस पर आप फोकस करें। चलिए, ये नरसंहार हुआ है, लोगों की हत्या हुई है, गरीब लोग जमीन ली गई है, उनकी छीनी गई बेवजह, पुश्तों से उस जमीन को जोत रहे हैं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, उनको 25 लाख रुपए जो कह रहे हैं अनुदान मिलना चाहिए और शासन